ओप्पो रेनो 10X Zoom, जी हाँ, इसमें एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है और ये अपडेट बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस अपडेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है और ये अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है अगर इतने बड़े अपडेट मिले तो आपका फोन खराब भी हो जाता है, आपका फोन डेड भी हो जाता है। इस लॉकडाउन की सिचुएशन पे आप केयर भी विजिट नहीं कर पाओगे और आपका फोन सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको ये अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि आपको कौन से न्यू फीचर्स प्रोवाइड कर दिए गए, आपका कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, कौन कौन से न्यू फीचर्स आपको मिले हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो आपको यहां पे मिलती रहती है। चलो फटाफट से उसके लिए मैं फोन के स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और वहां पे आपको कुछ कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा कि अपडेट करने के बाद और अपडेट करने से पहले की फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी है, एचडीआर मोड कैसा काम कर रहा है, जो भी अपडेट में आया है सारा आपको मैं करके दिखाऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आगे हो सकती है। चलो फटाफट से फोन के स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं फोन की स्क्रीन पे। फोन की स्क्रीन पे आने के बाद मैं सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग पे लेके चलता हूं और आप यहां पे देख सकते हो कि हमें एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट यहां पे देखने को मिल गया है। यहां पे आप क्लिक करोगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा और यहां पे इसका वर्जन आप देख सकते हो, कलर ओएस 11.1 एंड्रॉइड 11 जो कि ऑफिशियल पहले से अपडेट था, और ये जो अपडेट है ये भी ऑफिशियल है, इसका वर्जन आप नीचे पे पाउज करके पढ़ लेना। अपडेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, अपडेट लॉग आप यहां से देख सकते हो। रिड्यूस पावर यानी कि बैटरी जो आपका जो रिड्यूस बहुत ही ज्यादा हो रहा था, आपका जो कंज्यूम ज्यादा कर रहा था कोई भी एप्लीकेशन, उसे इंप्रूव कर दिया गया है। बहुत सारे सिनेरियो में देखा गया था कि अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपका बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाता था, तो इसे इंप्रूव कर दिया गया है। और यहां पे देख सकते हो इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस, और जो सेकंड हमें जो देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस, आपका जो परफॉर्मेंस था अब और भी स्मूथनेस हो जाएगा। आप देख सकते हो कि तीसरा जो अपडेट है, तीसरा अपडेट हमें बहुत टाइम ऐसा देखने को मिला था, बहुत बेरी अगर हम फ्लाइट फोन में फोन डालते हैं तो हमारा फोन वर्क नहीं करने लगता था, हमारा फोन क्रेश हो जाता था। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो भी बग्स थे एंड्रॉइड 11 पे आए हुए थे, उसे फिक्स करने के लिए ओप्पो ने बहुत ही अच्छा अपडेट देके रखी है। ये अपडेट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस अपडेट को मैं कर लूंगा उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, जरूर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। उसके बाद आप देख सकते हो कैमरा के बारे में, इंप्रूव फोटो क्लियरिटी इन एचडीआर, यानी कि आपका जो कैमरा क्वालिटी है, इस फोन का जो हाईलाइटेड फीचर है कैमरा क्वालिटी, उसे भी इंप्रूव कर दिया गया और स्लो मो को भी फिक्स कर दिया गया है, और बहुत सारे इश्यूज आते थे कैमरा में जिसे फिर से एक बारी फिक्स कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्ड, आप यहां पे देख सकते हो कि रिकॉर्ड जो था अल्ट्रा स्टडी मोड, उसे भी फिक्स कर दिया गया है और आपको वहां पे दिखाई नहीं देता था वो अल्ट्रा वाला ऑप्शन, वो एक बार फिर से आ गया है। चलो फटाफट से इसे अपडेट कर लेता हूं मैं। अपडेट करने के बाद क्या करेंगे, इसे मैं ऑन कर लूंगा, उसके बाद मैं फिर से ऐड कर दूंगा इस वीडियो को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फोन किस तरह का चल रहा है। हमारा फोन हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट डाउनलोड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो 100% कंप्लीट हो गया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो लेटेस्ट इसी मंथ का आपको देखने को मिल जाता है। चलो फटाफट से इसे मैं अपडेट नाउ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल आपको दिखा दूं, आप यहां पे देख सकते हो कि ये मैंने अपडेट करने से पहले आपको दिखा दिया, ताकि आपको अपडेट करने के बाद भी मैं आपको दिखा पाऊं कि कैमरा क्वालिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं इसे 10X Zoom पे इसे क्लिक करूं तो इसकी फोटो क्वालिटी कुछ आपको इस तरह की देखने को मिलती है। चलो फटाफट से फोन को अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद एक और फोटो क्लिक करके देखेंगे क्या सच में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या नहीं मिली है। फटाफट से फोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। फाइनली गाइस हमारा फोन हो चुका है अपडेट, और मैं आपको लेके चलता हूं सेटिंग पे और वहां पे चेक करेंगे कि हमारे फोन पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके फोन पे अपडेट से पहले ही आपके फोन पे एक टच पैड कीबोर्ड जो था वो वर्क नहीं कर रहा था, हालांकि एंड्रॉइड 11 पे ये सपोर्टेबल नहीं है। कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ प्राइवेसी के कारण, आप वहां पे गूगल कीवर्ड यूज कर सकते हो, गूगल कीबोर्ड यूज कर सकते हो सॉरी। तो फटाफट से मैं लेके चलता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या न्यू फीचर्स आपको देखने को मिला है। तो फटाफट से मैं आपको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या इसमें सच में हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या नहीं मिली है। तो फटाफट से जैसे कि मैंने फोन को रिस्टार्ट करने से पहले, अपडेट करने से पहले आपको 10X Zoom पे एक फोटो क्लिक करके दिखाया था, फिर से एक बार मैं यहाँ पे कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको कभी इसकी फोटो क्वालिटी कैसी आ रही है। हालांकि मैं कोई विदाउट स्टैंड के इसे फोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लॉक ऑन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे अंदाजा लगा लेना
कौन से फोटो आपको सही लग रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये फोटो सैंपल है, एक फोटो सैंपल ये है। तो दोनों में आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम नहीं लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो की बात रही तो वीडियो पे अगर हम जाते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रो का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स का कहना था कि उसके फोन से अपडेट के बाद इसे रिमूव कर दिया। और रही बात क्यों न्यू सेटिंग की, तो मोर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो सेटिंग पहले प्रोवाइड की गई थी वही सेटिंग अभी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और मैं एक बारी सबसे हाईएस्ट जूम करके भी टेस्ट कर लेता हूं कि ये हाईएस्ट जूम पे भी परफॉर्मेंस कैसी कर रही है फोन। तो यहां पे कुछ लैग कर रहा है फोन, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपडेट किया है, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूं, इसके कारण से थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 FPS पे करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से और जो चेंजेस थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं कि फ़ोन को अपडेट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप फटाफट से अपने फ़ोन को भी अपडेट कर सकते हो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ओप्पो रेनो 10X जूम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती रहती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।